बैतूल में वैक्सीनेशन के बाद एक युवक की आंख की रोशनी चले जाने का मामला सामने आया है। अब युवक ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्य सचिव मध्य प्रदेश से करते हुए इलाज का खर्च और मुआवजे की मांग की है। युवक का कहना है कि उसे न्याय नहीं मिलने की स्थिति में वो न्यायालय की शरण भी ले रहा है। दरअसल एक ढाबे पर रसोई का काम करने वाले नसीम खान ने 26 जून को कोविशील्ड का पहला डोज लगवाया था। वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिनों तक उसे दोनों आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था और 2 दिन के बाद एक आंख से तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बाईं आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई। युवक नसीम का कहना है कि आंखों के डॉक्टर से जब चेकअप कराया तो पता लगा कि बाईं आंख की ब्लड वेसल्स फट जाने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। नसीम को शक है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, लिहाजा अब उसने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की है ताकि इलाज का खर्च और मुआवजा मिल सके। साथ ही इस मामले को लेकर अब कानूनी लड़ाई लड़े जाने की बात भी पीड़ित युवक ने कही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहाँ तो मुझे आधा घंटा कुछ नहीं हुआ, मगर मैं जब घर आया तो थोड़ा सा मेरे को अंधेरी आ रही थी आँखों में। उसके बाद मैं लेट गया, मगर जब लेटे लेटे मुझे महसूस हुआ कि मुझको मेरी ही छत नहीं दिख रही है। वहाँ जब पांडे सर को समझ में नहीं आया तो वहीं उनने डॉक्टर विनोद बर्डे को भी बुलाए थे, उनने भी चेकअप किए। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। जब 6:30-7 बज गया था, 3-4 घंटे तक के मेरी पूरी जांच पड़ताल चलती रही, मगर कोई हल नहीं निकला। अभी ये है कि मुझे सब नेगेटिव नज़र आता है, सीधी आँख से ही मुझे साफ़ सुथरा दिखता है और दोनों आँखों से जब एक जैसा मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो नाक की हड्डी पे दर्द होता है। मुझे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का बोला है भोपाल में दिखाने का। मेरी आर्थिक स्थिति वैसी ख़राब है क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, सभी कुछ बंद था, तो मेरा भी काम बंद था। अभी 8 दिन से तो काम शुरू हुआ था और ऐसे में ऐसी हालत, इससे पहले भी 7 महीने पहले मम्मी कैंसर पीड़ित थी तो उनकी डेथ हुई, तो काफ़ी कुछ अपना अभी कलेक्टर महोदय को, CMHO को और प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव, हाँ, मुझे आर्थिक तौर पे भी मदद की जाए और मेरा इलाज भी किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल के बजाय मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर फ़ायदा हो सकता है अगर तुरंत इलाज मिले तो। एक ऐसा प्रकरण तो मतलब एक उनको आशंका थी, एक नसीम खान है उनको MLV कॉलेज में वैक्सीनेट किया गया था कोरोना वैक्सीन, और संयोग से उनको रेटिनल हेमरेज हुआ था। और डॉक्टर साहब से भी हमने बात की थी तो उनको एक ईस्ट डिजीज़ होती है जो यंग लोग में होती है, जिस ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है वो प्रेसिपिटेट हुई है, तो संयोग है उनका। बाकी वैक्सीनेशन से इट्सेल्फ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे ऐसे सिम्टम हों या ऐसी कोई परेशानी। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।